कमल तो उल्टा हो गया, कमल कहाँ से खिलेगा, चार थोड़ा लालटेन और तीर रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव, मैं हूँ आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अचानक पहुंचे राजद प्रदेश कार्यालय, और राजद प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पहले उन्होंने पूरे राजद प्रदेश कार्यालय को निरीक्षण किया, उसके बाद जो है जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की, और बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसे लेकर मीडिया से भी बात की, और बड़ी बात कही है कि दोनों सीटों पर लालटेन ही जलेगी, कमल कहीं नहीं खिलेगा। और क्या कुछ कह रहे हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, पहले आपको सुनवाते हैं। चुनाव होने हैं, चुनाव अपनी जगह पे है, चुनाव होगी मोकामा में है, गोपालगंज में कीचड़ में कमल खिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। कमल तो उल्टा हो गया, जब विधानसभा में जब भाजपा का एक नेता को मैंने देखा कि उसने जो कमल का जो ओढ़ा था चोला उसमें कमल उल्टा था, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा कि विधानसभा में बड़का बड़का कैमरा लगा हुआ, उसने जो चोला पहना था उल्टा चोला, तो वहाँ से संदेश चला गया। अब महागठबंधन का जो यहाँ पे सरकार जो बना है इसमें पता चल गया कि कहाँ चला गया कमल। कमल नहीं खिलेगा मोकामा में, कमल कहाँ से खिलेगा, चार थोड़ा लालटेन और तीर रहेगा। महागठबंधन की सरकार है, अब महागठबंधन की ही सरकार रहेगी, उनके बयानबाजी से कोई असर पड़ने वाला नहीं है जनता में। जनता ने भली भांति उस चीज़ को देखा है और झेला है, और अभी तक केंद्र में भी झेलने का काम करेगी उस जुमलेबाजी का, सरकार केंद्र में भी हम लोग नहीं टिकने देंगे। बिहार से तो सफाया हुआ, केंद्र में भी अब ये भी हम आपके सामने या पूरी बिहार की जनता के सामने हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, दूसरी बार देखिए अमित शाह आ रहे हैं दंगा फसाद कराने के लिए, क्योंकि उन लोग का मोटिव भी शुरू से यही रहा है कि मंदिर तोड़वाओ, मस्जिद तोड़वाओ, मंदिर बनाओ, इन लोग का शुरू से रहा है कि भाईचारे को तोड़ने का, और हम लोगों ने भाईचारे को जोड़ने का काम किया है, नहीं तोड़ने का काम किया। तो तोड़ने की जो राजनीति है ये उन लोग की है, शुरू से ही उन लोग की रहा है कि हिंदू को लड़वाओ, मुसलमान को लड़वाओ, दंगा फसाद कराने के लिए ही वो बिहार में आ रहे हैं। आपने साफ तौर पर सुना कि तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं नहीं कमल खिलने जा रहा है, कमल उल्टा हो गया है, केवल लालटेन और तीर ही दिखेगा, यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गोपालगंज हो या मोकामा दोनों सीटों पर लालटेन की ही जीत होगी, लालटेन का जो प्रत्याशी है वो जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।